गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर हियर प्रेजेंट हियर टू डिस्कस योर चैप्टर नंबर सेकेंड लॉन्ग एंड शॉर्ट. द चैप्टर नंबर सेकेंड लॉन्ग एंड शॉर्ट द वर्ड प्रॉब्लम हियर अगेन. इन द लास्ट क्लास वी आर टेक द वर्ड प्रॉब्लम, सो यू आर सॉल्व वेरी इजली इन द गिवन क्वेश्चन इन द फर्स्ट सेशन of the word problem. So now we are discussed to again the word problem different type, the same process. So the question is the first question, Arun bought 50 meter 300 centimeter carded cloth which he found to be less. So he again bought 9 meter 560 centimeter in order to the put cotton in the whole house. ठीक है, वट इज द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ परचेज बाय अरुण टू द मेक कॉटन. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. तो एक बार इसको जो है हम ट्रांसलेट करते हैं. कह रहा है कि अरुण ने 50 मीटर एंड 380 सेंटीमीटर उसने कपड़े को खरीदा और वो पाता है कि वो जो कपड़ा है ठीक है वो छोटा है. ठीक है, जो वो जितना चाहता था वो उतना नहीं दे पाता. ठीक है, तो उसने क्या किया, दोबारा कवर करने के लिए अपने घर को वो फिर इतना ऑर्डर देता है. ठीक है, तो कह रहा है कि जब उसने ऑर्डर दे दिया तो अब बताइए उसने टोटल कितना लेंथ पे ऑर्डर दिया. देखिए सीधी सी बातें, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहली बार अरुण ने ऑर्डर दिया. ठीक है, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं. ठीक है, अरुण ने इतना ऑर्डर दिया. ठीक है, और सेकंड टाइम उसने कितना दिया, ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर दिया. ठीक है, और ये सेकंड टाइम. ठीक है, तो भैया अब अगर हम टोटल लेंथ का मतलब क्या हुआ, इन दोनों को आपस में ऐड. ठीक है, तो उसने टोटल कितना दिया, इतना दिया. ठीक है, तो भैया यहां से इसको ऐड करेंगे ए एंड डी बोथ. इफ वी आर एड तो ए प्लस डी, यानी कि ए बी और सी डी को हम आपस में ऐड कर देंगे. ये फर्स्ट टाइम उसने क्लॉथ खरीदा और ये सेकेंड टाइम, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो ये तो समझने वाली बात थी कि उसने कैसे क्या, फर्स्ट टाइम उसने इतना क्लॉथ खरीदा वो कपड़े कम पड़ गए. ठीक है, तो सेकेंड टाइम उसने इतना खरीदा तो टोटल लेंथ. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जब तक आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे कि ये क्वेश्चन में कहना कैसा है. तो कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ परचेज बाई एरन टू मेक कॉटन, मतलब जो घर को कवर करने के लिए उसने अपने हाउस को कवर करने के लिए खरीदना था. ठीक है, क्वेश्चन शायद यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है. ठीक है, तो बाय द वे समझ जाइएगा, जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको ग्रुप में तो वो पूरा कंप्लीट रहेगा. सो नाउ लिसन हियर, तो हाउ टू द सॉल्व. ये तो मैंने आपको एक सिंपल वे में समझा दिया कि फर्स्ट टाइम उसने इतना क्लोथ खरीदा, सेकेंड टाइम इतना खरीदा, और टोटल लेंथ की बात अगर हम करें तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे. बट इसको करेंगे कैसे, ठीक है, तो हम करेंगे कैसे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो हमें इसे स्टेटमेंट लिखना होगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन पे यहाँ पे आते हैं. पहले स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, लिसन, पहला स्टेटमेंट कहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब खरीद रहा है तो ये कितना खरीदा था. तो फर्स्ट टाइम कैसे लिखेंगे, देखो स्टेटमेंट पहले लिखना सीखिए, हमको पता है कि आप ऐड कर ले जाओगे. फर्स्ट टाइम एरोन बट क्लोथ इक्वल टू कितना खरीद रहा है वो, 50 मीटर एंड 380 सेंटीमीटर. ओके, एंड सेकेंड टाइम सिंपल वही स्टेटमेंट है, कुछ चेंजिंग नहीं है. सेकेंड टाइम एरोन बट क्लॉथ इक्वल टू कितना खरीद रहा है, तो 9 मीटर एंड 560 सेंटीमीटर. ओके, तो अब क्या करते हैं, यहां पे हमने कहा कि तो देन टोटल लेंथ, देन टोटल, थोड़ा सा यहां पे स्टेटमेंट चेंज होगा. व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू. तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आपको समझना है कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमेशा जो यूनिट जिसमें है उसी में ऐड होगा. ठीक है, अब मीटर है सेंटीमीटर में तो ऐड होगा नहीं,
कि ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लो यहाँ पे आपने जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो हाथ को ले जाके पैर की जगह पे फिट कर दे या पैर वाला उठा के मुंह में फिट कर दे, तो ऐसा ही नहीं है ना, ऐसा होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, मीटर वाले यूनिट को हमेशा मीटर में ऐड करेंगे, सेंटीमीटर यूनिट को सेंटीमीटर में ऐड करेंगे। तो सीधी सी बात, यहाँ पे आप दो ब्लॉकेज बना लो ऐसे ऐसे लाइनिंग, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, समझिएगा ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट यहाँ से ले लेते हैं, समझिएगा, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू, मैंने कहा कि ऐसे लाइन बनाइए इसे फटाफट, ठीक है, बन गया ये, देखो एक्स्ट्रा लाइन बन गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे मीटर रखिए, यहाँ पे सेंटीमीटर रखिए, ठीक है, किलोमीटर है नहीं, यहाँ पे किलोमीटर भी रख सकते हैं आप, बट है नहीं तो यहाँ पे जब भी आप लिखेंगे तो सीक्वेंस वाइज किलोमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। अब ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा रख दो, सीक्वेंस एक सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट में जो फर्स्ट टाइम लिया था उसने कितना लिया था भैया, फर्स्ट टाइम उसने कितना किया, 13 मीटर, ठीक है, 13 मीटर। तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सेंटीमीटर 380 सेंटीमीटर, सेकेंड टाइम 9580। अब ऐड कैसे करते हैं, वही प्रोसेस है, सिंपल है, जैसे हमने एडिशन सीखा है, 0 0 0 8 8 6, यहाँ पे टोटल लिख लो, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है, 8 8 6 5 3 8 + 1 कितना हुआ, 9, ठीक है, 9 and 3 12, 1 कैरी, इस 1 कैरी को यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 1 2, तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 22 मीटर and 960 सेंटीमीटर, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया, लेकिन सेकंड आंसर क्या होगा, बिकॉज वी नो दैट 100 सेंटीमीटर = 1 मीटर, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर अलग हो गया ना, 960 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखाया था, तो इसको चेंज कर लीजिए, कितना मीटर में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 9 मीटर and 60 सेंटीमीटर, तो इस 9 को यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए, समझ में आ रही बात। लिसन, ये तो हमारा, ये तो 22 मीटर हो ही गया है, लेकिन ये 960 को हम क्या लिख सकते हैं, 960 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं ना, 900 सेंटीमीटर and 60 सेंटीमीटर। तो भैया ये 900 सेंटीमीटर इक्वल टू किसके बराबर है, 9 मीटर के, किसके, 9 मीटर के। तो इस 9 को यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है, 9 मीटर को यहाँ पे ऐड कर दो, तो जब इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 मीटर and 60 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए, समझ में आया, गुड। सेकंड क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं सेकंड क्वेश्चन दिख रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, रिचर्ड्स हाउस इज 7 किलोमीटर एंड 300 मीटर अवे फ्रॉम स्कूल एंड एलेक्स हाउस इज 11 km एंड 432 मीटर अवे फ्रॉम स्कूल, हुज स्कूल, हुज हाउस इज फार
एंड बाय हाउ मच मच या ठीक है. लुक हियर वेरी केयरफुली. तो सबसे पहले मान लो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है. इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन एक बार पहले रीड कर देता हूँ. कह रहा है रिचर्ड्स स्कूल इज 7 किलोमीटर 3 मीटर अवे फ्रॉम स्कूल एंड एलेक्स हाउस 11 किलोमीटर 432 मीटर अवे फ्रॉम स्कूल. सो हुज हाउस इज फ्रॉम फॉर अवे एनी बाई हाउ मच. कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि रिचर्ड का जो हाउस है, ठीक है, वो 7 किलोमीटर है उसके स्कूल से, ठीक है, एंड एलेक्स का हाउस कितना है 11. तो यहाँ पे एक बार देखिए कंपेयर करेंगे. हमने कहा था कि जब भी ऐसी कंडीशन आए, ठीक है, जब हाउ मच या हाउ मनी, मैंने थर्ड क्लास में आपको पढ़ाया है कि जब भी हाउ मच हाउ मनी या ऐसे करके आपके क्वेश्चन में आस्क करे तो समझ लिया वहां पे कंपैरिजन की बात कर रहा है, कंपेयर कंपेयर की बात कर रहा है, और तुरंत ही वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा. क्या होगा, अगर कंपैरिजन हो या कंपेयर हो तो वहां पे क्या होगा, वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा. तो यहां पे क्या हो रहा है, कंपेयर ही कंपैरिजन हो रहा है, किससे, रिचर्ड का और किससे हो रहा है, एलेक्स का, ठीक है, उसके घर का जो कितनी दूरी पे है. तो मान लो ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है, हाउस है. तो मान लो भैया यहाँ से ये रिचर्ड है, हाँ, इसका घर है यहाँ पे, ठीक है, और इसका घर एलेक्स, ठीक है, वैसे मैंने बना दिया है, ठीक है. अब इसका घर क्या है, यहाँ पे है, तो 7 km, ठीक है, एंड 300 मीटर, एंड हियर 11 km एंड 432. सो अब देखने में 11 इसका मतलब इसका एलेक्स का घर ही दूरी पे है, ठीक है, तो डिफरेंट सी बात है, ठीक है. तो जाहिर सी बात है कि इसका घर यहाँ पे, इसका घर जो है यहाँ पे इससे ज़्यादा दूर है. तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द स्टेटमेंट फॉर्मेट. तो सबसे पहले जिसका ज़्यादा दूरी पे है, जो ज़्यादा डिस्टेंस पे है, उसको हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे. यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करना है, ठीक है. जैसे एडिशन में क्या था कि हमने, हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, ऊपर नीचे कोई भी किसी भी को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में करते वक्त ध्यान रखना है जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, उस स्टेटमेंट को हम सबसे पहले लिखेंगे. तो यहाँ पे किसका है, एलेक्स का. तो एलेक्स हाउस फ्रॉम स्कूल इक्वल टू कितना है, वही प्रोसेस करते हैं, सीधी सी बात सिंपल बता दें, यहाँ पे km लिख देते हैं, यहाँ पे मीटर लिख देते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं, तो हमें लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक है. तो ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे हम जो है सब्ट्रैक्शन लिख देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है. तो अब जिसका जहाँ पे है वहाँ पे राइट करो, ठीक है. अब यहाँ पे दूसरा, अब ये देखिए यहाँ पे, तो एलेक्स का हाउस कितना है 11, तो यहाँ पे 11 लिख दो, किलोमीटर में, किलोमीटर की बात कर रहा है, मीटर है, अब मीटर में कितना है 432, सेंटीमीटर में 00, क्योंकि सेंटीमीटर तो है ही नहीं, ठीक है, तो 00 लिख दो. अब रिचर्ड की बात आती है, तो रिचर्ड का घर जो है बहुत ही नजदीक है, तो रिचर्ड का कम है, मतलब रिचर्ड हाउस फ्रॉम स्कूल इक्वल टू, रिचर्ड का हाउस कितना है 7 एंड एलेक्स 300. ओके, तो सीधी सी बात है कि एलेक्स का हाउस है, ठीक है, तो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इक्वल टू, अब हम इसमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना, सिंपल सी बात है, 0 में से 0 गया यहाँ पे 0, ठीक है. अब वो 3 में से 2 0 जाएगा और 2 में से 0 जाएगा, तो 2 यहाँ पे डिवीजन सब्ट्रैक्शन का निशान, 3 में से 3, 4 में से 1, ओके, 7 में से 11 गया 4, तो कितना डिस्टेंस का कंपैरिजन की बात कर रहा है यहाँ पे, 4 किलोमीटर एंड 32
132 मीटर। अंडरस्टैंड, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है, ओके। इसको राइट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट ऑल द क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा और इस पे बेसिस मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। और दूसरी चीज, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, नहीं तो मैं कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि, नहीं तो मैं फिर इस तरीके से डालता रहूँगा वीडियोज, आप मुझे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, रॉन हैड फिफ्टी फोर मीटर ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ रिबन to make floor 29 meter and 34 centimeter was left used unused अनयूज चाहिए, ठीक है, अनयूज। हाउ मच रिबन वाज यूज टू मेक फ्लोर्स, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। साइड से देखो, ठीक है, तो इसको यस कर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट को देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि रॉन है 45 मीटर 20 सेंटीमीटर ऑफ रिबन टू मेक फ्लोर, फ्लोर मतलब वो जो बनते हैं ना उसमें, हाँ, तो वो बना रहा है 29 मीटर उसने यूज किया और कितना उसने यूज नहीं किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि जो सबसे ज्यादा वो स्टेटमेंट लिखते वक्त उसको ऊपर राइट करेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखिए समझिए, कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे रॉन के पास इतना ज्यादा, इतना बड़ा लेंथ था, ठीक है, रिबन का, उसने इतने का फ्लोर बनाया, ठीक है, और इतना छोड़ दिया, तो वही कह रहा है क्वेश्चन में, ये इसका जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो आपको बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, मैंने कहा था कि रॉन कंपेरिजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हाउ मच, मैंने कहा हाउ मच क्वेश्चन में आ रहा है, तो सीधी सी बात है सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। रॉन हैड रिबन इक्वल टू, वही सिस्टम सीक्वेंस ऐसे बना लीजिए फटाफट फटाफट, एनी प्रॉब्लम, केएम मीटर सेंटीमीटर, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, लॉजिक, ठीक है, नहीं तो आपको बार बार वैसे करना पड़ेगा। तो कितना है उसके पास 44, और सेंटीमीटर में मीटर नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने मीटर में लिख दिया, किलोमीटर में लिख दिया, तो किलोमीटर उसके पास 0.0 है,
तो यहाँ पे 44, यहाँ पे 00, यूज्ड रिबन इक्वल टू, अब उसने कितना यूज किया, 29, ठीक है, 29 34, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें थोड़ा सा टफ है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सिंपल सा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे 00 है, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेफ्ट रिबन इक्वल टू, आप स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैं तो बहुत सिंपल में बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट मत जाइएगा कि सर जैसे ही एग्जैक्ट बना रहे हैं रिबन स्टेटमेंट बना रहे हैं वैसे ही हमने बनाए, नो प्रॉब्लम, आप अपने अपने अकॉर्डिंग यू कैन डू इट, ओके। तो फर्स्ट यहाँ पे देखिए, जीरो है तो जीरो में से फोर जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करेगा, एक बैरो लेगा, यहाँ पे आएगा, वही सिंपल सा प्रोसेस है, तो 1 मीटर आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 बचेगा ना, तो वही सिंपल सा प्रोसेस है, तो यहां से यहां आया तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है, यहां पे 9 हो गया, समझ में आ रही बात ना, जैसे हम सिंपल सबट्रैक्शन करते हैं वैसे, बस यहां पे मीटर जब गया तो 100 हो गया, ठीक है, ये इतना समझ में रखना दिमाग में ध्यान में, तो यहां पे कितना था, 9 हो गया, 9 में से 3 गया 6, कितना बचा यहां पे 6, ओके। अब यहां पे कितना बचा, 1, इसको बैरो दिया था वो 3 हुआ, तो 3 में से 9 जाएगा, नहीं, फिर वो क्या करेगा, यहां से एक बैरो लेगा, तो 33 कितना हो जाएगा, 3 है तो वो कितना हो गया, 13, ठीक है, तो 13 में से 9 गया, कितना बचा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4, अब यहां 4 है, 4 में से 2 गया, 2, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया आंसर आपका, ये मीटर में है, 24 मीटर एंड 66 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, ओके, थैंक यू क्लास, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं आपको, ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, थैंक यू क्लास, हैव यू नाइस।